तो देखिए अभी हम लोग आए हैं फिर से एक बार पटना में, तो क्या करने आपको बताते हैं हम। तो आज है तारीख 7 फरवरी, तो सभी को एक बार फिर से वेलकम टू माई ब्लॉग्स। कैसे आप लोग, क्या चल रहा है आप लोगों का? तो हम सड़क के किनारे खड़े हैं, आवाज़ कम आ रही है। चलिए देखिए हम लोग पटना में फिर से आए हैं अभी। तो मेरा आज एग्ज़ाम है गेट का, तो हम लोग एग्ज़ाम देने आए हैं। तो हम लोग लोकेशन में पहुंच चुके हैं जहां मेरा सेंटर है। तो आइन डिजिटल जोन है ये, आइन डिजिटल जो है पाटलिपुत्रा, तो पीएन मॉल के बगल में ही है। तो ठीक, अभी हम पीएन मॉल के सामने खड़े हुए हैं, आपको हम दिखाते हैं, आपको फिर आगे बात करेंगे। तो अभी समय लगभग 1:30 बज चुका है, तो 3 बजे से एग्ज़ाम है, सेकेंड सीटिंग में एग्ज़ाम है मेरी। तो चलिए देखते हैं, देते हैं और फिर मिलेंगे आपसे, तो बात करेंगे और खूब ढेर सारा बात बताते हैं पटना को, कहाँ कहाँ जा पाते हैं। शाम तो हो ही जाएगी, 6 बजे एग्ज़ाम एग्जिट करेंगे हम लोग। देखते हैं जितना टाइम मिलेगा हम उधर घूमेंगे, चलेंगे फिर दिखाते हैं आपको पीएन मॉल। तो ये देखिए सिनेपोलिस पीएन मॉल, ये है, ये सामने रोड है। तो ये कुर्जी मोड़ पाटलिपुत्रा, कुर्जी मोड़ से थोड़ा आगे आइएगा यहाँ से, ये पाटलिपुत्रा में है सिनेपोलिस सिनेमा हॉल पीएन मॉल। इसमें सारे हम जाएंगे, अंदर जाएंगे एग्ज़ाम के बाद जाएंगे, तब तक चल देंगे हम एग्ज़ाम सेंटर, इसके पीछे ही है, वॉकिंग डिस्टेंस है, चलते हैं हम लोग। पार्किंग एरिया वगैरह अच्छा क्लीन है, पटना का पूरा माहौल अभी खराब। अच्छा इस रोड से है सेंटर, चलिए लोग चलेंगे सेंटर के आसपास। टाइम तो अभी काफ़ी है, लगभग 1.5 घंटे से भी ऊपर टाइमिंग है एग्ज़ाम हॉल में एंट्री का। तो 2:30 बजे एंट्रिंग होगी हमारी, तब तक हम घूमते हैं ऐसे रोड पे, इधर का आप देखिए तब तक का सीन। तो हम लोग सेंटर के पास पहुंच चुके हैं, ये है सामने सेंटर, इसके पीछे सेम पैरेलल रोड पे आइन डिजिटल जोन 1 है, ये 2 है, वहाँ सेंटर 2 में है। आप देख रहे हैं यहाँ का एड्रेस, ये आई डी जी 3 है, 2 लगता है और भी पीछे है वह। 3 hours later तो भाई हम पहुंच चुके हैं गांधी मैदान। तो एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है, 6:15 में ख़त्म हुई थी, शाम पड़ चुका था, भीड़ काफ़ी हो गई थी, तो निकलना पड़ा वहां से, तो घर भी पहुंचना है हमें, इसलिए हम जल्दी हम निकल चुके हैं। देखते रूम पे जाना है, टाइम अभी 6:30 बज चुके हैं, हमें ऑटो वहां से मिल चुका, ऑटो मिलती है 20 रुपया भाड़ा मिलता है, पीएन मॉल से आप डायरेक्ट गांधी मैदान ले सकते हैं, उधर रेलवे स्टेशन भी जा सकते हैं, तो ऑटो बस सभी सुविधा है, जो आप जैसे जाना चाहते हैं जा सकते हैं। चलते हैं आगे हम, दिखाते हैं आपको यहाँ पे थोड़ा गांधी मैदान के एक्सप्लोर करते हैं, क्या है मार्केट, कैसा है, ई रिक्शा वगैरह अवेलेबल है। तो देखिए सामने यहाँ पे शहीद डॉक्टर बना हुआ है, तो गांधी मैदान के सामने इधर है गांधी मैदान, पीछे उस साइड हम उसी साइड जाने वाले हैं। देखिए इधर सामने मैकडोनल्ड्स का बोर्ड, गांधी मैदान का गेट अभी बंद हो चुका होगा, देखते हैं तो अभी खुला हुआ है क्या, मेरा लगता है जहाँ तक बंद ही होगा। सामने आपको छोटे मोटे दुकान वगैरह मिलेंगे, यहाँ से ये शहीद स्मारक है। तो देखिए यहाँ पे आपको छोले भटूरे वगैरह मिलेंगे, गन्ना का जूस, तो ये पीछे गांधी मैदान,
तो ये बंद है अभी फिलहाल। बहुत बड़ा मैदान है पटना का, तो देखिए सामने सारे फूड फास्ट फूड है इधर अवेलेबल। सामने आपको मिल जाएंगे इधर सिनेमा हॉल मोना, देखिए मिठाई पसंद इडली लगा यहाँ पे मिलेंगे आपको। बिहार की फेमस लिट्टी, साथ में चटनी बैगन की, सलाद घी में लट्टी लिट्टियाँ, देखिए गर्मा गर्म बन रहा है। बहुत सारे फास्ट फूड के हैं अवेलेबल, तो मुझे लिट्टी खानी है, हम खाते हैं थोड़ा। तो देखिए फ्रेंड ये पापड़ी चाट बन चुका है, पापड़ी से समोसा वगैरह मिक्स है, समोसा पापड़ी है, प्याज नींबू वगैरह जेवनी चटनी है, दही है, सब मिक्स किए हुए हैं। देखते टेस्ट करते कैसा है। तो 25 रुपया की प्लेट है यहाँ पे देख रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए सामने यहाँ पे वो मिलेंगे मॉल, तो ये मोना है देख रहे आप, मोना सैंडविच से हो। तो सामने आपको मैकडोनल्ड्स वगैरह मिल जाएंगे। तो गांधी मीनार के सामने है मेन रोड पे, इधर आपको सारे फास्ट फूड के दुकान मिलेंगे यहाँ पे, जिस टाइप खाना चाहते हैं आप हर प्रकार के यहाँ मिलते हैं देख रहे हैं आप। बर्गर वगैरह भी अवेलेबल है, चलिए चलेंगे। तो इधर का आप यहाँ से आप बुक वगैरह ले सकते हैं, पटना में आते हैं तो ये उद्योग भवन है, उसके बगल में जो जीरोक्स बुक होती है या बोल सकते हैं फोटो कापी वाला बुक यहाँ पे मिलते हैं सस्ते दाम में, वो आके यहाँ से लेस परचेज कर सकते हैं। देखिए गोलगप्पा इधर, टेडी बियर, देखिए वैलेंटाइन डे आ रहे हैं अभी, आज से तो डे वगैरह शुरू है, रोज डे है आज। देखिए इधर खादी मॉल, यहाँ से आप हाइट वेट मेजर कर सकते हैं, देख रहे हैं दोनों मशीनें लगी हैं, 1 रुपया दे के 102 रुपया लेते हैं। सर पीछे हमारे गांधी मैदान, देखते गेट खुला हुआ है तो थोड़ा देर के लिए हम जाएंगे उसके अंदर। उसके अलावा यहाँ भी एक सिनेमा हॉल है, फंड रिजेंट करके सिनेमा हॉल इधर सामने ही है, और ये है सामने उद्योग भवन, बड़ी वाली बिल्डिंग दिख रही है। ये ओवरऑल गांधी मैदान का ट्रैवल एरिया, उस साइड अगर जाएंगे इसके अपोजिट में तो RBI का बड़ा ऑफिस वगैरह है इधर, देख रहे हैं गेट लगता है फिलहाल क्लोज है, शायद उधर से खुला हुआ है। तो मेन गेट है बड़े वाले, ये तो बंद है, ये गेट नंबर 7 है। चलते हैं हम लोग गांधी मैदान के अंदर, थोड़ा देखते हैं क्या है। उधर से एंट्री है, छोटे वाले गेट, यहाँ पे देखिए सुनहरा मौका आ गया, कुछ तो चल रहा है, इवेंट वगैरह में होते रहते हैं, अभी तो कुछ नहीं है। तो दिखाते हैं थोड़ा घूम कर पूरा गांधी मैदान, सामने पूरा विश्वकुमार भवन है, तो बहुत बड़ी फील्ड है ये गांधी मैदान। देखिए लोग रात में क्रिकेट भी खेल रहे हैं अभी, जहाँ लाइट अवेलेबल है वहाँ पर, तो बहुत बड़ा ग्राउंड है ये पटना का, तो सबसे बड़ा है बिहार का बोल सकते हैं, सबसे बड़ा ग्राउंड है ये। सामने पटना की सबसे बड़ी बिल्डिंग विश्वकुमार भवन भी है, और स्टैचू महात्मा गांधी का सबसे बड़ा स्टैचू यहाँ पे है, तब चलेंगे वहाँ पे दिखाते हैं आपको। ये पूरा गांधी मैदान आपको एक बार दिखा देते हैं चारों साइड से लुक इसका। तो देखिए हम लोग उधर से एंट्री किए थे गेट नंबर 7 से, तो बहुत सारे गेट हैं सामने का दृश्य, चलेंगे हम लोग आगे। देखिए फ्रेंड सामने ये, तो यहाँ से झंडा तोलन भी किया जाता है 26 जनवरी और 15 अगस्त के अवसर पे,
तो मुख्यमंत्री यहाँ पे आके झंडा तोलन करते हैं, पेड़ वगैरह भी होता है यहीं पे होता है। आपको देखिए थोड़ा बहुत दिख रहा है स्टैचू, जो बल है पीछे उसके बगल में गांधी जी की स्टैचू, बहुत बड़ा स्टैचू है, आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ से झंडा तोलन होता है, तो बहुत बड़ा ग्राउंड है, आपको 10 से 15 मिनट लग जाएंगे अगर इस छोर से उस छोर जाते हैं तो पैदल चल के। इतने बड़े देख रही है यहाँ से। तो फ्रेंड देखिए लोग फाइनली गांधी जी के बिगेस्ट स्टैचू के पास पहुँच चुके हैं। तो इसके बारे में थोड़ा आप विकिपीडिया से पढ़ सकते हैं, हमने थोड़ा देखा है, तो इसके बारे में थोड़ा कुछ बता देते हैं जितना हमने पढ़ा है। तो ये लगभग 22 मीटर इसकी हाइट है, और ये हमारे अभी जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्होंने उद्घाटन किया था 2013 ईस्वी में। लगभग इसमें कुल लागत 35 करोड़ के आसपास पड़ा है, और ये 2012 में बनना शुरू हुआ था और 2013 में इसका उद्घाटन हो गया, मतलब एक साल में ये बन के कम्प्लीट हो गया है। तो देख सकते हैं बहुत बड़ा स्टैचू है यहाँ पर। तो 22 मीटर की हाइट है, इसको अच्छी तरह से बनाया गया है। चलते हैं अंदर, देखते हैं किधर से एंट्री है। तो इसको अच्छी रात है, अंधकार है, पता नहीं चल रहा है, चारों साइड रोड बनाई गई है अच्छी तरह से, तो कहीं से भी आप घुस सकते हैं। ऐसे सिर्फ मोटे मोटे चैन जैसा बनाया बना के दिया हुआ है, आप घुस सकते हैं किसी तरह यहाँ पे। तो आपको दिखाते हैं कितना ख़तरनाक है ये स्टैचू, लाइटिंग वगैरह प्रॉपर लगाई गई है जिससे आपको रात में भी दिखे। ये देख रहे हैं सामने से, आपको हम दिखाते हैं, तो देखिए क्या ख़तरनाक व्यू है इसका रात में, तो थोड़ा प्रॉपर फोटो क्लीन आने रहा होगा। तो देख रहे हैं कितना ख़तरनाक है ये, तो बहुत बुरा आपको दिख रहा है। तो 22 मीटर की हाइट है, तो चारों साइड देखिए लाइटिंग लगाई गई है, इस तरह रोड बनाए गए, काफ़ी लोग आते हैं घूमने के लिए, पटना आते हैं तो ये घूम सकते हैं। दिखाते हैं आपको, देखिए फिर से उस पर सारे लोगों के नाम वगैरह लिखे हुए हैं, कौन क्या है, कब उसने क्या किए थे। दिखाते हैं आपको थोड़ा, देखिए इस पैनल में अंग्रेजों के यहाँ आने, ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा भारतीय संसाधनों को लूट किए गए, दमन और अत्याचार के विरुद्ध भारतीय हिस्से को गया है, क्या क्या ऐसे रिप्रेजेंट किया गया उसके बारे में लिखा भी गया है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा बनाया गया है, प्रॉपर चारों साइड इसे बनाया गया है, बड़ी बड़ी ऊँचे। तो इस साइड भी देखिए, दिखाते पूरा, तो ये देखिए, तो ये डांडी यात्रा का है, गांधी जी सामने नमक उठा रहे हैं। इधर देखिए तो गांधी जी यहाँ पे खुद से कपड़ा बुन रहे हैं, चरखा चला रहे हैं, उसको दर्शाया गया है। इसके अलावा चारों साइड देखिए कुछ न कुछ लिखा गया है, यहाँ पे देखिए इस पर गांधी चंपा की जनता संबोधित करके दिखाए गए हैं। तो ये सब है उनके, तो चंपारण में लोगों को समझा रहे हैं कुछ, चंपारण सत्याग्रह का ये कितना खतरनाक सीन है ये यहाँ पे। चलिए चलेंगे हम, अब हम गांधी मैदान घूमने के लिए बस आई है, थोड़ा मज़े ले सकते हैं, शाम में इंजॉय कर सकते हैं, खतरनाक सीन है। चलिए फ्रेंड हम लोग एग्जिट करेंगे, अब टाइम हो चुका है काफ़ी,